हिमाचल प्रदेश में बारिशों का दौर लगातार जारी है। लगातार हो रही बारिश से तबाही का मंजर भी देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। अगस्त माह में अभी तक 21 फीसदी अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। अप्रैल से जून तक लोग भीषण गर्मी से त्रस्त हुए, तो वहीं अब अगस्त में लगातार हो रही बारिश से लोग परेशान हैं। अगले कुछ दिन मौसम फिर सताने वाला है। इसके लिए प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में खराब मौसम का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके साथ ही प्रशासन ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने और बारिश के दौरान वाहन न चलाने की भी अपील की है। प्रशासन समय समय पर लोगों की सुरक्षा के लिए एडवाइजरी भी जारी कर रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि 16 अगस्त तक खराब मौसम का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है और कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की भी संभावना है। 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। इसमें हमारे कुछ एक डिस्ट्रिक्ट है ऊना, सोलन, बिलासपुर और हमीरपुर है, जहाँ पे वेरी हैवी रेनफॉल भी रिकॉर्ड की गई है। सबसे अधिक जो बारिश है बीते 24 घंटों में वो ऊना से रिकॉर्ड की गई थी 100 mm के आसपास। उसके उपरांत नयादेवी में 82 mm बारिश रिकॉर्ड की गई थी। वहीं नादौन में भी हैवी रेनफॉल थी 72 mm और पूरे क्षेत्र में ही 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। आगामी देखिए 5 क्षेत्रों की बात करें तो अभी भी पूरे प्रदेश में जो बारिश का सिलसिला है जारी रहने की संभावना है। 12, 13 और 14 अगस्त को जो प्रदेश के जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, जो पेरेंग क्षेत्र हैं, वहाँ पे लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना बनी रहेगी। और साथ में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं सिरमौर, सोलन, शिमला है, फिर कांगड़ा है, फिर यहाँ पे हैवी रेनफॉल होने की संभावना है आगामी 2 दिनों में। फिर ये जो वेदर एक्टिविटी है 14 तारीख की लेट नाइट थोड़ी पिकअप करेगी। इसके चलते देखिए 14, 15, 16 को जो हमारे क्षेत्र हैं, चंबा है, कांगड़ा, कुल्लू है, मंडी है, और जो हमारे पेरेंग क्षेत्र हैं ऊना, बिलासपुर है, हमीरपुर है, सिरमौर, सोलन है, तो यहाँ पे हैवी रेनफॉल होने की संभावना रहेगी 14, 15, 16 अगस्त को। तो देखिए आगामी 5-6 दिनों तक पूरे प्रदेश में ही बारिश का दौर मतलब जारी रहने की संभावना बनी रहेगी। तो सीज़न देखिए ओवरऑल माइनस अभी आपका चला है -22। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट है कांगड़ा, मंडी, शिमला है वो सामान्य के आसपास ही दर्ज किए गए हैं। इसके उपरांत देखिए सिरमौर में -13 है जो एक्चुअल रेनफॉल से डिपार्चर, ऊना और बिलासपुर में भी -15 से 17 है जो कि सामान्य की रेंज में आते हैं। तो ये 6 जिले हैं कांगड़ा, मंडी, शिमला है, सिरमौर, ऊना, बिलासपुर, जहाँ सामान्य के आसपास मतलब पूरे सीजन में बारिश दर्ज की गई है। और अगर अगस्त माह की बात करें तो अभी देखिए सामान्य से 21% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसमें केवल 3 डिस्ट्रिक्ट हैं चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति, जहाँ सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। जितने बाकी 6 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें अगस्त माह में अभी तक सामान्य के आसपास ही बारिश दर्ज की गई है। कि देखिए 14 अगस्त की से इवनिंग तक जो हमारे मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, जो मैदानी क्षेत्र हैं, वहाँ पे लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल की संभावना है। और 1-2 स्थानों में जो मैंने डिस्ट्रिक्ट आपको बताया वहाँ पे हैवी रेनफॉल भी हो सकती है। फिर 14 तारीख की लेट नाइट या 15 अगस्त की अर्ली मॉर्निंग से वेदर एक्टिविटी प्रदेश में पिकअप करेगी इंटेंसिटी वाइज और डिस्ट्रीब्यूशन वाइज। तो इसके चलते जो फिर ये जो हैवी रेनफॉल का है सिलसिला है ये मतलब जो हमारे मध्यवर्ती क्षेत्र हैं और जो पेरेंग क्षेत्र हैं यहाँ पे जारी रहने की संभावना होगी हमारी 14, 15, 16 अगस्त को। जैसे एक्टिविटी रहती है कंटिन्यूस तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ से अपडेट जारी की जाती है। एज ऑन अभी आगामी 24 घंटों में ऐसे कोई मेजर कोई वार्निंग नहीं है अभी फ्लैश फ्लड्स की।